जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं ओपी सिंह जी अभिमन्यु त्यागी, उस वो पार्टी और उस पार्टी का नेता आज उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित तो बन ही गया। जयंत चौधरी की मैं बात कर रहा हूं, उनसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही, किसी की नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी भी ये इतिहास रखकर चल रही है कि अखिलेश यादव पर जो बोलना हो बोलो, पश्चिम में जयंत पर नहीं बोलो। ये इतिहास बड़ी बात है, मैं तो कहूंगा जयंत चौधरी के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है कि पश्चिम की जमीन पर कोई भी जयंत के खिलाफ उस अंदाज में नहीं बोल रहा जैसा बाकी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए मैं बात रोहित अग्रवाल से शुरू करूंगा। पहला और दूसरा चरण इनके नेता के उसमें रहेगा गठबंधन में, तीसरे चरण से फिर अखिलेश जी के हाथ में स्टेयरिंग आएगा। अभी प्रैक्टिकली स्टेयरिंग आरएलडी के पास है और दो चरणों में रहेगा, पहले और दूसरे में, तीसरे से फिर साइकिल के पास आ जाएगा स्टेयरिंग, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर आरएलडी का वहां कोई लेना देना नहीं रहेगा, चौथे चरण से जब चुनाव आगे जाएगा। रोहित अग्रवाल जी, भाई मैं तो बहुत छोटी समझ का आदमी, उससे एक मैंने एक सिंगल लाइन का सवाल मेरे दिमाग ने कहा कि ये ही वहां परखना है पश्चिम में, वो ये जो दो चरण हैं इनमें आपकी जय और पराजय केवल, मुझे ऐसा लगता है, एक प्रश्न पर टिकी। जाट मुसलमान एक रिक्शा पर बैठ के वोट डालने आ गया तो आपकी जय जय, फिर आपकी जय जय को कोई नहीं रोक सकता, और नहीं बैठा अलग अलग रिक्शे पे आया तो फिर आपका कुछ हो भी नहीं सकता। फिर 2014, 17, 19, 22, आप सहमत हैं इस धारणा से? बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, अगर एक रिक्शे पर बैठा तब तो अलग चुनाव परिणाम, और नहीं बैठा तो जैसा 14, जैसा 17, जैसा 19, वैसे 22। देखिए अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा नैरेटिव सेट करना चाहूंगा इसके पीछे। जब चौधरी अजीत सिंह जी ने अपना 2019 का चुनाव लड़ा था तब वो हार गए थे कुछ थोड़े से वोटों से, तो हम लोग काफी दुखी थे, और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा क्यों दुखी हो, मैं जो करने गया था वो तो मैं कराया, और वो बहुत खुश थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप तो उनकी मतलब उनसे काफी बार मिले हैं और आपको उनकी मतलब पता है पूरी तरीके से क्या किस तरीके से वो बिहेव करते थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो चुनाव हार के आए हैं। और हम लोग जबकि दुखी थे तो उन्होंने कहा देखो मैं वहां पे खाई पाटने गया था, मैं किसी भी सेफ सीट से चुनाव लड़ सकता था और जीत के आ सकता था, मैं वहां पे जो मुजफ्फरनगर दंगों की 2013 की खाई थी हिंदू मुस्लिम की वो पाटने गया था, उसको मैं पाट के आया हूँ, बखूबी पाट के आया हूँ, और ये आप आगे आने वाले चुनाव में या आगे आने वाले जो समय होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी जी ने भाईचारा जिंदाबाद का एक नारा दिया और उसके तर्ज के ऊपर कई कार्यक्रम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किए, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करना है तो मैं दिल्ली बैठ जाता, और जनता ने हाथ उठा के कहा कि नहीं जी अब हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उन्होंने जनता ने भी बहुत दर्द सहा इस दंगे का, जनता ने गांव की अर्थव्यवस्था खराब हुई, लोग पीछे ढकले, जिनको आगे आना चाहिए था उनके आर्थिक स्थितियां पीछे ढकली इस दंगों की वजह से, क्योंकि जो युवाओं को रोजगार के लिए जाना चाहिए था वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के झगड़े में उलझे रहे और नेता उसकी मलाई चाट के निकलते रहे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ने भी उस दर्द को बहुत बखूबी देखा है जो दंगों का दर्द था, पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि घाव को कुरेदने का काम कर रही है, उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही है ताकि और दुखे और बिलखे और उसमें से खून बहे। लेकिन अब वहां की जनता समझ चुकी है कि हमने बहुत कुछ खोया है इन दंगों के कारण, अब हमको दंगे नहीं चाहिए, अब हमको कहीं ना कहीं रोहित रोहित बाबू ठीक है ठीक है ठीक है, ये सैद्धांतिक चीज है। मैं मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, किसने भाषण में क्या कहा, कौन जिन्ना, कौन गन्ना, कौन चर्बी, कौन गर्मी, शिमला मसूरी, कुछ नहीं। मैं फिर उसी छोटे से सवाल पर टिका हूं, इनकी कोशिश है एक ही रिक्शे पर दोनों बैठ के आए, जाट और मुसलमान वोट डाले, मुझसे सीधी बात कोई नहीं कर सकता, इससे ज्यादा सीधी बात पश्चिम के चुनाव पर, बाकी सब लोग उसको पर्देदारी में रख के दाएं बाएं करके बोलते हैं, मैं तो सीधी सपाट बात बोल, आपकी कोशिश ये है कि रिक्शा एक नहीं हो, रिक्शे दो हो, आपको क्या लगता है आप दो रिक्शे में कराने में सफल रहेंगे
या कुछ ऐसा खतरा है, कुछ संभावना है कि इस बार रिक्शा एक हो सकता है, एक ही रिक्शे में आ सकते हैं ओपी सिंह जी, क्योंकि सारा परिणाम उसी पर टिकेगा। इसके अलावा वहां कोई नैरेटिव नहीं, कोई थ्योरी नहीं, इस बात का भी कोई मतलब नहीं कि गन्ना का आंकड़ा क्या है और कितना मिल बंद हुई, कितनी मिल खुली, कुछ नहीं। पश्चिम में एक ही मानस इस बार मुझे दिखा और भाजपा ने भी उसी पर फोकस किया, जयंत ने भी उसी पर फोकस किया। अच्छा ओपी सिंह जी, जी जी, जो आप एक नया प्रयोग बता रहे हैं और जिस पश्चिम में कई तरह के नारे कई नेताओं ने कई पार्टियों ने लगाया है और उसका नतीजा क्या रहा है ये बताने की बात नहीं है। जो संकेत संकेत पे बात हो रही है वो बात यही हो रही है जातिवाद की, परिवारवाद की, तुष्टिकरण की। ये बात हो रही है पार्टी के नेता ने नारा लगाया था वाईएम की। देखिए ऐसा अर्थात जी आपने बहुत अच्छी बात की, जमना जिन्ना सब भूल जाओ, सामने व्यवहारिक कानून पर आ जाओ। देखिए ऐसा है कि जब ये जोड़ी जो चुनाव लड़ रही है तो ये समाजवादी पार्टी इसमें प्रमुख रूप से है, तो समाजवादी पार्टी का अगर पहला प्रयोग होता तब तो हम बड़े ध्यान से सुनते, बड़े ध्यान से देखते। चलिए भाई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पश्चिम में एक नया प्रयोग किया। अरे इसके पहले बसपा के साथ प्रयोग किया था, उसके पहले कांग्रेस के साथ प्रयोग किया था, तब भी उस जमाने के जो इनके पार्टनर थे उन्होंने वही नारा लगाया था जो नारा आज रोहित अग्रवाल की पार्टी लगा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो जी, अब ये कहते हैं साहब जी ठीक है आप भूल जाइए मुजफ्फरनगर के दंगे को, भूल जाइए कराना के पलायन को, भूल जाइए मेरठ के दंगे को, भूल जाइए चावली के दंगे को, भूल जाइए। लेकिन क्या जनता उसको भूलने वाली है? नहीं भूलने वाली है। तो 2012 से 17 का जो पश्चिम का दर्द था, नहीं नहीं ओपी सिंह जी ये रोहित अग्रवाल कह रहे हैं, ओपी सिंह रोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे को कुरेदने की चेष्टा कर रही है उस जख्म को। अच्छा ये बताइए जी, ये बताइए ठीक है मान लीजिए हम गलती कर रहे हैं, दंगा कराया किसने था और दंगा का भुक्तभोगी कौन था? दंगा कराने वाले दंगा के भुक्तभोगी दोनों आज एक साथ है, तो तुम भैया अपने कुर्सी और सीट के लिए एक साथ हो सकते हो, प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता उस घाव को नहीं भूली है, न तो इन दोनों के पाप को भूली है। कांग्रेस को क्या लगता है इन 58 सीटों पर उसकी लड़ाई अखिलेश यादव जयंत चौधरी से है या भारतीय जनता पार्टी से है? देखिए सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, तो हाँ। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की रहेगी। हाँ हम मुद्दों पर तो ये क्या कबड्डी खेल रहे हैं? ये आरएलडी और समाजवादी ये क्या वहां कबड्डी खेलने के लिए है क्या? ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। ठीक, मतलब इनसे तो लड़ाई नहीं ना, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आए। जाति धर्म पर चुनाव हम लड़ने नहीं आए हैं भैया, किसान पर, महिला सुरक्षा पर, त्यागी जी त्यागी जी थोड़ा रहम करो, थोड़ा रहम करो। मतलब जनता देखती है तो बहुत उल्टा सीधा बोलती है। आप लोग कभी जनता जब देख रहे हो तो भेष बदल के जाओ, सुनो जब आप लोग ऐसी बातें बोलते हो तो वो पीछे क्या कहती है कि जाति धर्म पर चुनाव नहीं, हम तो निष्ठा राष्ट्र सेवा के लिए चुनाव लड़ने आए। जनता जानती है महाराज, भाजपा ने और सपा ने जाति धर्म पर चुनाव को बनाया है। आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक है। कौन माई का लाल बिना जात धर्म के चुनाव लड़के भारत में आज तक सर्वाइव किया है उसका नाम बताओ, उसको भारत रत्न के लिए सिफारिश करूँ। आपकी बात को मैं, अरे छोड़ो महाराज, कारक्का इन बातों में हमार छोड़। लेकिन कब्रिस्तान के मुद्दे पर, अली बाहुबली बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। चलो छोड़ दो भैया, अब इन बातों में क्या रखा। तौकीर रजा को बगल में बैठाओगे और बताओगे कि हम तो केवल राष्ट्रहित पे काम करते हैं। हालांकि तौकीर रजा भी मेरे परिचित हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो उठेगा ना। उनको मुलायम सिंह की पार्टी राज्य मंत्री का दर्जा दे दी थी तो आपको आपत्ति थी, आज उनके साथ आप खड़े वो फोटो खिंचा रहे, सत्यनारायण कथा कर रहे हो क्या वहां? इसलिए मैं सबसे कहता हूं मेरे शो में दया रखो, बाकी 1000 चैनल हैं वहां सब लोग कहो कि हम लोग तो राष्ट्रीय राष्ट्र सेवा पर के लिए राजनीति में आए हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम, बोलो सुनेंगे वो लोग, तारीफ करेंगे, जय जय होगी। मेरे में प्रैक्टिकल बात करो भैया कि खेल क्या है और किधर से खेल कहां जा रहा है, उतने पर अपन बात करेंगे। संजीव कौशिक जी, कल वोट है 58 सीटों पर, वहीं से बौनी होगी, वहीं से दुकान खुलेगी, ठीक।
पहला ग्राहक दुकानदार के लिए बहुत बड़ा होता है, चाहे एक रुपया का बिस्कुट खरीदे, वो रुपया को तीन बार माथे में लगा के तब गुल्लक में रखता है कि बहुनी हुई, ठीक ना? बहुनी तो जान रहा ना भैया? जी जान रहा। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, सिद्धांतों और ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल देंगे, जैसे चुनाव जमीन पे होता वैसे ही आज टीवी बात होनी चाहिए। आपकी समझ क्या कहती है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का अलायंस एक तरफ, भाजपा दूसरी तरफ, बीच में बहन जी का हाथी है, वो एक अजब किस्म का चश्मा लगाए है। देखिए अमिताभ जी, आपने शुरुआती दौर में ही कहा कि पोहनी की बात आपने की, ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी था और आज के इस बदले हुए समीकरण में भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो समीकरण हम लोग देख रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि बदले हुए परिवेश में या खासकर किसानों के उपजे हुए आंदोलन के बाद में जो रोष है, उस रोष को विपक्षी पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश है कि ये रोष बना रहे और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने का प्रयास किया जाए। लेकिन एक सबसे इस सब में महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्या ये दोनों एक साथ रिक्शे पे बैठ के जाएंगे वोट देने? यदि एक साथ बैठ गए तब तो रिजल्ट बिल्कुल बोहनी जो हो जाएगी वो हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से रणनीति बना करके हर एक कोशिश को विफल करते हुए हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। तमाम तरह की कोशिशें जारी है, बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतार दिए गए, अंदरूनी तरीके से उसको साधने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार ये एक टेस्ट जयंत चौधरी के लिए भी है। अखिलेश यादव तो पहले से ही स्थापित एक राजनेता है और लोग जानते हैं उनके बारे में, लेकिन ये जोड़ी जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं, यदि ये शुरुआती कल और 14 तारीख का इलेक्शन जो है इसमें यदि वो टेम्पर बना रहा इन लोगों के प्रति या अपने पार्टियों के प्रति इनका टेम्पर बना रहा, तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा। ये यदि इन दोनों क्षेत्रों में यदि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ यदि कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है तो सीधे फिर एक दूसरा निर्देशन क्षेत्र होने वाला है जो बिल्कुल लोगों के सोच से बाहर का होगा और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ पुनः वापस होते हुए दिखाई देगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी। तो ये दो दिनों का चुनाव, ये जो कल बोहनी की बात हो रही है, पूरी कोशिश है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो पुराने घाव को कुरेदे, जिस चीज को हम तो इससे दूसरे तरीके से इस तरह से करते हैं कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की बात करती है, लेकिन अब उस मोड से बाहर निकलना चाहिए कि आप अपने घाव को केवल इसलिए कुरेते हैं कि घाव दिखा के हमें वोट बटोरने में या भिक्षाटन करने में सहूलियत होती है। इससे बाहर निकलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कमियां रही हैं इस बीच में जो समीकरण बदले हैं 2017 और 22 के इलेक्शन के बीच में, खास करके किसानों के आंदोलन को लेते हुए। इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी कवर कर पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो शायद मेरे समझ से आसान नहीं। जी ठीक बात, प्रतिबद्ध वोटर सबके पास होता है, कम ज्यादा कुछ भी सही, लेकिन होता है। अगर पार्टी है तो 1% ही सही, लेकिन एक कमिटेड वोटर होता है उसके पास। भाजपा के पास एक 20 वोट था जो वाजपेयी के समय में एक सर्टन लेवल तक पहुंचा, शायद 26% या कितना, जब वाजपेयी जी की सरकार हुई। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने अपने पर्सनालिटी के कल्ट से औरा से उसमें 8-9% और जोड़ दिया, तो 300 के पार चली गई पार्टी। 20 वोट सबके पास है, लेकिन जो असंबद्ध वोटर है ना, जो किसी के नाम का सिंदूर नहीं लगाए, चुनाव में सरकार वही बनवाता है, वो किसके साथ जाएगा सरकार वहां से बनती है, कौन किसका मित्र है ये तो आइडेंटिफाई है, उसका वोट पता है कि हमको मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भैया अभी सोचेंगे, देखेंगे कौन बना रहा है, फिर उसके वो बात जो संजीव कह रहे हैं वो बात वहां पर लागू हो जाती है कि हवा किसकी चल रही है। इसलिए जहां से भी ओपनिंग होती है इलेक्शन की, टेम्पो बनता है जहां से, वहां वो स्थान बड़ा महत्वपूर्ण, वो चरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं फिर इसको समाप्त करूंगा तो एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एकमात्र चुनौती ये है कि 14, 17 और 19 का टेम्पो वो मेंटेन रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो टेम्पो केवल एक ही दृश्य में मेंटेन रह सकता है जब मुजफ्फरनगर और कैराना 100%
उसके साथ जागृत रहें दोनों इशू। वो जितने डाइल्यूट होंगे मानस पटल पर पश्चिम के, भाजपा के लिए उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी का टोटल सफलता और उनका प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो हो मुजफ्फरनगर और कैराना को डाइल्यूट कर सकते हैं। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्लर करना। क्या वो उन चित्रों को ब्लर कर सकते हैं पश्चिम के मानस पटल पर? अगर कर ले जाएंगे तो जय जय। और बसपा का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है, लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, भाजपा को बसपा से चाहे अनचाहे लाभ मिलेगा, मिल सकता है पश्चिम में, ये भी एक कोण है। इन दो चरणों में शायद 28 सीटें तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस गठबंधन और मायावती जी की पार्टी तीनों ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार लड़ा दिया, तो वो सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ के रखी सकती है आसानी से अपने पास। अभी वोट नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि मिजाज तो यही बताता है। 2017 के चुनाव में जिन जिन स्थानों पर अखिलेश यादव और माया बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा, उनमें से 90% से ज्यादा सीटें ओपी सिंह की पार्टी ने जीती। आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बसपा भी महत्वपूर्ण फैक्टर है, भले ही वो मंच पर ना दिख रही हो आपको, हंगामे में शोरगुल में नहीं दिख रही हो, लेकिन अगर उसके उम्मीदवार ने चरतवाल में 20,000 वोट काट लिया तो काट ही लिया। सईदुज्जमा के परिवार का प्रतिनिधि है अगर, तो कुछ तो करेगा रोहित अग्रवाल जी। इसलिए वहां मसला कांग्रेस बहुत प्रभावी भूमिका में वहां नहीं है, वहां बसपा है जिसको देखना होगा। और बसपा पत्ते कितनी अच्छे से चल रही है इसका एक उदाहरण लोगों के सामने है ही। उत्तर प्रदेश की तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों में सिराथू और गोरखपुर शहर सदर, वहां बसपा ने अपने उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग से दिए हैं, लोग उसका भी अर्थ निकाल रहे हैं। इसलिए पश्चिम में बसपा को भी देखना होगा, क्योंकि मायावती के का पश्चिम से एक जुड़ाव भी रहा है, और दलित और मुसलमान इनको अगर पश्चिम में देखें तो दोनों की तादाद अच्छी है, और ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। जीतने के लिए ना सही, हराने भर के लिए तो काफी हो जाता है। पश्चिम की खबर क्या है, ताकि आज ही रिकॉर्ड कर लूं कि भैया ये दावा था, फिर 10 को मिलाएंगे अपन। जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, लंबे समय बाद जो है आपके आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, और मैं जी बड़ी विश्वास के साथ, और जो वोटिंग मैं देख रहा हूं और जिस तरह से लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और अब तक जितने वोट पड़े हैं, अभी भी मतदान चल रहा है, निश्चित रूप से लोगों ने विकास को, लोगों ने डबल इंजन की सरकार को, लोगों ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को, लोगों ने निवेश वाले उत्तर प्रदेश को, लोगों ने रोजगार देने वाले उत्तर प्रदेश को पसंद किया है, और इसीलिए पश्चिम में जो जनमानस है वो अपने घरों से निकलकर पंपर वोट कर रहा है। और जब आप देखेंगे कि मतगणना शुरू होगी और जब पश्चिम की गिनती होगी, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुराने इतिहास को फिर से दोहराने जा रही है, पुरानी जो हमारा विजय है उसको फिर से हम दोहराएंगे, लेकिन खासकर पश्चिम में जिस तरह का माहौल विपक्ष द्वारा बनाया गया और ये कहा गया कि बड़ी नाराजगी है और वहां पर ये स्थिति है वो स्थिति है, आप देखिएगा कि 10 मार्च को पश्चिम से जबरदस्त वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिरा हुआ होगा, जिसकी गिनती हो रही हो। सीधा सवाल, बहुत सरल भाषा में, 58 में कौन कहां? 58 में 50 प्लस सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कर दिया, फिर आनंद दुबे की पार्टी क्या करेगी?
ये हरिद्वार जाएंगे आप ये भजन करेंगे सर, भजन करेंगे इनके लिए, हमने भजन के लिए राम मंदिर बनवा रहे हैं ना ये लोग, हम लोग उसको और भव्य स्वरूप देंगे और भजन करेंगे ये लोग। देखिए हमारे नेता पिछले 5 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आपको अगर मैं पिछले फ्लैशबैक में ले जाऊं तो 2017 की विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा पे सबसे पहले प्रदर्शन करने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी ने किसानों के मुद्दे पे किया था 11 जुलाई 2017 को। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन ना संघर्ष करना छोड़ेंगे और ना किसान के साथ खड़ा होना छोड़ेंगे। सुरेश जी है, सुरेश जी वही सवाल आपसे, 58 में आप कहां? देखिएगा कोई कुछ भी कहे जी, उससे पहले तो मैं ये कह देना चाहूँगा कि जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर बाबा साहेब के द्वारा दिए हुए वोट के अधिकार का और माननीय कांशीराम साहब के द्वारा वोट की कीमत बताने के बाद इतना परसेंटेज वोटिंग होने के लिए मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल है, हवा में हम बात करते नहीं, हम लोग 58 में से 32 पर रहेंगे। प्रियंका जी 58 में कहाँ कहाँ हाथ? और कोई काम तो आता नहीं, यही करते तो घर परिवार चल रहा, वो भी बंद करा दो आप लोग। अमिताभ जी बिल्कुल जी। आप टीम पे नहीं आएंगे तो टीम अधूरा रह जाएगा। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जिस तरह से बागपत में आप देखिए कि एक व्यापारी अपने फेसबुक लाइव के साथ में वो जहर खाता है, ये स्थिति बना दी है उत्तर प्रदेश की और स्पेशली जो छोटा व्यापारी है उसकी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है। प्रियंका आज जो बहस करेंगे ना, ये इस पर हम लोग पिछले बहुत दिन से बहस कर रहे हैं, मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या। मोनू की जमानत से एक परसेप्शन ये बन रहा है कि भाजपा को इससे पॉलिटिकल फ्रंट पर नुकसान हो जाएगा। वो जमानत कोर्ट ने दी, क्यों दी, क्या दी, वो तो फिर कोर्ट का सॉवरन राइट है, संप्रभु अधिकार है, लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है राजनीतिक तौर पर, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अब मोनू आया है तो घर में तो रहेगा नहीं, रजाई में, चौथे चरण में वहां खीरी में शायद चुनाव है, तो आया है तो निकलेगा भी, निकलेगा तो भैया के साथ 4-6 बंदूकची भी रहेंगे जो यूपी का चलन है, किसी भी बाहुबली का लड़का बच्चा हो तो उसके साथ 4-6 रहते हैं जिंदाबाद करने वाले हैं। अब थार ना सही, दूसरे ब्रांड की गाड़ी तो चलाएगा, 10-20 गाड़ी होंगी, घोड़ा होगा, राल लाभ लश्कर ताम झाम, तो आपको नहीं लगता कि उससे पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा? उसको अभी कुछ दिन अंडरग्राउंड रहना चाहिए था। नहीं अमिताभ जी देखिए, आप मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि वो बात तो पहले से तय, निश्चित रूप से ये एक जुडिशियल प्रोसेस है जी। और कोर्ट ने इसमें जमानत दी है, उस जमानत के साथ कौन सी शर्तें लगाई हैं, क्या कहा है कोर्ट ने, कौन से निर्देश दिए हैं, ये इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है कि किस निर्देशों, क्योंकि जमानत दी होगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनको निर्देश भी जारी किए होंगे, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन स्पष्ट चीज ये है कि सरकार ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ जांच किया, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, उनको जेल भेजने का काम किया, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक है, न्यायालय से जो फैसला हो रहा है, हाईकोर्ट के फैसले पर ना मैं सवाल उठा सकता हूँ ना कोई और सवाल उठा सकता है। बात जहां तक आपने कहीं नुकसान होने की, तो देखिए अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके अपराध की सजा उसको मिल रही है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में जितने भी काम किए हैं, किसानों के हित में जितने भी काम हम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और खुले मन से कह रहा हूं कि पिछली सभी सरकारों को मैंने भी देखा है, लंबे समय तक मैं भी इस देश में मतलब पत्रकारिता में रहा हूं, मैंने भी बहुत करीब से देखा है, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किसानों के हित में बेहतरीन कदम उठाए हैं। कुछ लोग जरूर किसानों को गुमराह करने की दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। किसान भाई बहनों का हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। कोर्ट का निर्णय है, उस पर चलो कोई सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है, लेकिन इतना तो, इतना ये विकल्प तो था ही कि अभी जमानत नहीं लेते क्या?
कई बार तस्वीर अंदर रहे तब भी कम नुकसान, तस्वीर बाहर आ जाती तो ज्यादा बवाल होता है। अब वो लड़कवा घूमेगा तो बवाल होगा, अब नहीं घूमे तो घर पे भी रहेगा तो बाहर बैठेगा ना कुर्सी डाल के। अब कोर्ट ये तो कह नहीं सकता कि रजाई के अंदर रहेगा लड़का, तो रहेगा तो मजमा लगेगा, मजमा लगेगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। रविंद्र पटेल, क्या टेनी के लड़के की जमानत से, चूंकि अभी वहां उत्तर प्रदेश में पूरा ही चुनाव लगभग बाकी है, 6 चरण बाकी हैं, क्या किसानों को के फ्रंट पर भाजपा को पॉलिटिकली डैमेज हो सकता है, ऐसा लगता है? डैमेज हो नहीं सकता सर, डैमेज हो चुका है। ये तो किसानों को चिढ़ाने वाली बात हुई। एक तो नहीं, लेकिन भाई लेकिन 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 बीजेपी ही जो कह रही है कि हमने नहीं चढ़ाया, अगर आप इसको चढ़ाने के एक्ट भी माने तो बीजेपी ने तो जमानत दी नहीं, जमानत दी लखनऊ बेंच ने। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन जब वो घटना घटी तो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री माननीय टेनी जी ने कहा कि अगर हमारा पुत्र इस दोष में सम्मिलित पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनकी नैतिकता कहां गई? उन्होंने इस्तीफा दिया क्या? क्या उन्होंने कहीं कोई नैतिकता देता? कोई लाल बहादुर शास्त्री है आज के दौर में? मुश्किल से तो पद मिलता है, इतने पापड़ बेलो तो कुर्सी मिले, इस्तीफा दे दे। भगवान का नाम शास्त्री जी का आपने नाम लिया लाल बहादुर शास्त्री जी का। हमारे यहाँ एक ऐसे आचरण देने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी भी है जिन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दिया था, बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं, नैतिकता की बात करने वाले लोग हैं। नैतिकता राजनीति में, अगर हम राजनीतिक शुचिता ही मर जाए, हमारी राजनीति में हमारी नैतिकता ही मर जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर सार्वजनिक जीवन में हमारा कोई मोल नहीं है। ठीक। और किसान को चिढ़ाने वाला ये वाकया है, किसान वैसे से किसान को ये समझाने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि कुछ लोग, वो कुछ लोग नहीं है, वो इतने सारे लोग हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का चूल्हा हिला चुके हैं। ये जो नया घटनाक्रम आया है, क्या इससे उत्तर प्रदेश का जो शेष 6 चरणों का चुनाव है वो प्रभावित होता? आप देख रही है उसकी जो जमानत हुई है लखीमपुर खीरी कांड के प्रमुख अभियुक्त की, बिल्कुल प्रभावित करेगा। जिस तरह से आज देखिए जो हमारा जो किसान है, उसको पहले तो इन्होंने जो है पूरे साल भर से ज्यादा टाइम तक बॉर्डर में बिठा के रखा, वो बेचारा ट्रैक्टर में रहा, वो टेम्पो उसमें टेंट लगा कर रहा, उसके बाद उसको पानी भी बंद कर दिया, उसके लिए शौचालय की व्यवस्था भी हटा दी, सब कुछ किया, कीड़े लगाई और रोड ब्लॉक किए, दीवारें खड़ी की, और उसके बाद इन्होंने जो है कृषि कानून तो वापस ले लिया, पर किसानों को जो है, 4 किसानों को उसके ऊपर जीप चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। और ये सबके सामने है कि ये जनता आंख थोड़ी बंद कर लेगी। आज मैं दैनिक भास्कर की कटिंग देख रही थी जिसमें ये लिखा था कि जो है इलेक्शन के बाद 8 से 9 रुपए पेट्रोल और डीजल पे बढ़ोतरी हो जाएगी। तो क्या जनता देख नहीं रही? जनता ये भी तो समझ रही है कि आप वसूली किससे कर रहे हैं, आप वसूली किससे, जनता की जेबों से कर रहे हैं। और यही जनता जिसके पास आज रोजगार की कमी है, जिसके पास आज व्यवसाय उसका नहीं चल रहा है, जो महिलाएं हैं वो बेचारा घर चलाना जिनका मुश्किल है। ठीक प्रियंका जी, ठीक ठीक है। सुरेश जी, ये घटनाक्रम जो आज हुआ है दिन में, ये उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य को कितना प्रभावित करेगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिएगा, इसका पूर्णतः असर होगा और बीजेपी को वोट कास्ट नहीं होगी, क्योंकि इससे तो और कंफर्मेशन हो गया। क्या कंफर्मेशन हो गया कि भाई जब वो लड़का बाहर ही था, नॉर्मल लाइफ में था, तब वो इतनी गुंडागर्दी कर सकता है, जीप चढ़ा सकता है, स्कॉर्पियो चढ़ा सकता है किसानों पर, तो अब तो आज़ाद हो गया, जमानत बेल ग्रांट हो ही गई, तो इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। और देखिएगा, इतना ही नहीं, सरकार तो इन्होंने चला ही इस आधार पर, किसी को धमकाया, किसी को डराया, चाहे वो मॉब लिंचिंग से चाहे कुछ है। और एक तो अभी आपने शुरुआत में कहा था कि भाई योगी साहब ने सुबह जस्ट लाई कि वो धमकी है कि यदि वोटर ने गलत वोट कास्ट किया तो ऐसा रिजल्ट निकलेगा, तो ये धमकी नहीं है तो क्या है कि केरला हो जाएगा? अरे भाई, केरला वाले ने कह दिया ना कि सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, रोजगार के अवसर हैं यहाँ पर, शिक्षा उत्तम है यहाँ पर, तो ये सब कुछ कैसे कह दिया? क्योंकि इन्होंने तो उसको कहा धमकी के रूप में, और धमकी के रूप में एक और डायलॉग आपको याद दिलाता हूँ, जब कहा था कि ठंडे कर देंगे, तो ऐसे नहीं है, ये सारे डायलॉग कलेक्टिव वे में होकर के इकट्ठे में,
और जो हमारा वोटर है, लोग बाग मेरे से पूछते हैं कि साहब वोटर तो बड़ा निराश सा है, शांत सा है। अरे भाई, बाबा साहब ने कब कहा, कांशीराम साहब ने कब कहा कि वोटर शोर मचाएगा कि मैं उसको वोट दूंगा? अरे वोट वोट में पड़ती है, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। वैसे तो इस पर 14 को ही चर्चा कर लेते शाम को, तब भी ठीक था, लेकिन आज इस वक्त से पहले मुझे लगा इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि 17 में जब आपने अश्वमेध यज्ञ किया और सब दिग्दिगंत में सब जगह जीत लिया, आपका घोड़ा सब जगह से आ गया सुरक्षित, और 316 या कितनी सीटें जीती, 325 शायद एलाइज के साथ मिला के, नंबर में कुछ गड़बड़ हो सकता है, उतना मुझे याद नहीं रहता। सही कहा। लेकिन ना ये जो जमीन है जहां 14 तारीख को वोट पड़ना है, ये जमीन 17 में भी आपके लिए कठिन थी क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में कुल 47 जीती थी, उसने अकेले इसी इलाके में 15 जीत ली थी 17 में। ये वो दौर था जब आप राजसोई यज्ञ कर रहे थे। आपका कहना सही है, चुनाव कोई भी हो, चरण कोई भी हो, सब कठिन होता, सबके लिए कठिन होता जी। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए बहुत आसान है। ये सब ये जमीन की जो बात कर रहे हैं, ये जमीन 14 में भी थी, 17 में भी थी, 19 में भी थी जी। और वही जमीन 2022 में जी। और दूसरी मजेदार बात यह है कि तब भी समीकरण में गठबंधन था, कभी कांग्रेस से था, कभी बसपा से था। यह बात और है कि इस बार वो गठबंधन बदल गया है, जैन जी के साथ है। तो राजनीतिक पार्टियां अपनी तरह तरह की रणनीति बनाती और चलती है। पहला चरण का चुनाव हो, दूसरे चरण का चुनाव हो, चाहे छठवें और सातवें चरण का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है जी। कानून व्यवस्था और विकास। हम जहां भी जा रहे हैं, हमारे नेता जहां जा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय नेता हो और चाहे प्रदेश का नेता हो, हम दो ही बात कर रहे हैं भैया। 2000 अच्छा, कब्रिस्तान की बाउंड्री कानून व्यवस्था में आती है सिंह साहब? कब्रिस्तान की बाउंड्री कानून व्यवस्था का इशू है क्या? बहुत अच्छा पूछा आपने, ये विकास का मुद्दा है। किसी के विकास के लिए कानून, ये बाउंड्री वाल थी, और किसी के विकास के लिए जो है काशी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है, वो भी विकास में आता है, और जो है कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल भी। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है ना, अपना ठीक। वार्ड से बखूबी कौन जानता है, और आपने तो एक दिन इस पर बहुत अच्छा आपने डिबेट भी किया था कब्रिस्तान इस पर जो है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर और सारी चीजों पर। ये अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें इसी दो चीजों के अंतर्गत आती है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो जी। ये सब विकास और कानून व्यवस्था। अभी आपने कहा ना देवबंद में एटीएस की जो है उत्तर प्रदेश की सरकार स्थापना करे, ये भी कानून व्यवस्था में आती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लगातार दंगे हुए, ये भी कानून व्यवस्था में आते हैं। और जितने गुंडा माफिया और अपराधी है, ये भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये बड़ा बड़ा दायरा है। हाँ, ये बात और है कि जो हमारे निकटतम लड़ने वाले हैं, उन्होंने बहुत पहले पहले इशारा करके नारा दे दिया वाईएम, और देखिएगा नारा इनका बदलता रहता हर बार, लेकिन फिर ये आएंगे उसी स्थान पर जहां ये 2017 में इनकी दुर्गत उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्यों क्यों कि 2017 और 22 और 2012 और 17 जनता उस सरकारों को न भूली है, न उनके काम को भूली है, न उनके विकास को भूली है, न उनके दंगे को भूली है, न गुंडा माफियाओं को भूली है। ठीक है, तो भैया मैदान में आओ, इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, ये जो चरण है ये पहले चरण के मुकाबले, पहला चरण भारतीय जनता पार्टी ने 58 में 53 जब जीती थी तब भी आप सब लोग थे, ये बात ठीक है। ये भी ठीक है कि तब भी वहां मुस्लिम आबादी एक साइजेबल नंबर में थी, बड़ी खुल के बात करता हूं मैं इशारों में नहीं, लेकिन वो बहुसंख्यक आबादी के आंकड़े से पार तो नहीं जा सकती। तो आप लोगों ने जब मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश की, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू एकजुट हुआ, तो वो 58 में 53 जीते 17 में, ठीक।
ये जो जिसमें आज मैं बहस करने आया, इस इलाके की डेमोग्राफी अलग है अगर आप लोग परिचित होंगे, ठीक। यहां बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां 40-45-50% मुसलमान है, क्या वहां आप डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते? इसलिए ओपी सिंह की पार्टी 17 में वहां नहीं चेंज कर पाई। आप इस दूसरे चरण के चुनाव को, क्योंकि आपके का जो पार्टी है मुझे लगता है उसका एक्टिव रोल बस यहीं तक रहेगा, फिर तीसरे चरण में चुनाव उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में आ जाएगा जो खुद मुलायम सिंह जी का इलाका रहा है, वहां की तरफ चल देगा तीसरे चरण से। कैसे देख रहे हैं भाई दूसरे चरण को, रोहित अग्रवाल? अमिताभ जी, कल वोटिंग हुई, आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट और अच्छी आ चुकी होगी। कल शाम को हम लोग डिबेट में थे और आज जो है, आज अब लगता है और अच्छी आ चुकी होगी। तो जहां पे 90% सीटें ये जीत के आए थे 58 में से, वहां इनका सुकड़ा साफ होने जा रहा है। तो अब ये दूसरे दौर में तो आप खुद ही बता रहे हो कि क्या स्थिति थी इनकी। दूसरी चीज, अब भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए बड़ी विकट संकट आ गया है। जब आपने इनसे कहा कि साहब विकास की जब बात होती है तो क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री विकास में आती है, तो ओपी सिंह ने खूब जोर लगा के कहा कि देखो इनके लिए विकास की मुद्दा था कब्रिस्तान की बाउंड्री। उसके बाद वो कहना चाहते थे कि फलाना अस्पताल, डिकामा इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन याद ही नहीं आया कुछ। क्यों नहीं याद आया? कुछ बनाया हो तब तो याद आए, धरती पे है नहीं अब ओपी सिंह रहे वरिष्ठ पत्रकार, झूठ निकल नहीं रहा इनके मुंह से, तो इनको याद आया काशी का कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि इससे दो मुद्दे क्लियर हो गए कि भाई धर्म के नाम पे ही राजनीति करनी है इनको। तो इनको तो जो सुबह क्लास दी जाती है व्हाट्सएप पे, जो इनको क्लास होती है, वो ये कहा जाता है किसी भी तरीके से चुनाव को धर्म के नाम पे मोड़ो, जाति के नाम पे मोड़ो, मुद्दों पे मत बात करना, मुद्दों पे बात करोगे तो फंस जाओगे। तो अब ओपी सिंह जी भाई रहे पत्रकार, अब उनसे तो सच निकलेगा ही निकलेगा, तो उनके मुंह से खटाक से निकला कि साहब भोले बाबा का हमने कल्याण किया है साहब, है ना। अब आप सोचो ये गाना गाते हैं कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना गाते हैं। आप बताओ अमिताभ जी, अब मतलब जो खुद राम के नाम पे आया हो वो गाना गा रहा है कि हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे महाराज, खुद तो राम के नाम पे आए हो सरकार में 14 में 17 में 19 में, और अब गाना गा रहे हो कि हम लाए जी। कुछ तो ऐसी रखो जो जनता हजम कर पाए, ऐसा मत करो बिल्कुल कि हाँ विषयांतर हो जाए। तो अब स्थिति यह है कि जो 58 वाले में कुछ नहीं कर पाए, जहां पे 53 सीटें जीत के आए थे, तो अब इसमें क्या कर पाएंगे? इसमें तो इनका सुकड़ा साफ ही होना है। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ, प्रियंका गांधी जहां जहां कुछ बोल रही है उनको सुनता हूँ, देखता हूँ। मैं सच में अभी तक नहीं समझ पाया कि सच्चाई के साथ, मतलब व्यवहारिक उसकी बात करो, सैद्धांतिक में तो आप उत्तर दे दोगे, योग्य प्रवक्ता हो। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विकट रण में अभी मुझे लग रहा है कि वो झपेटे में घुस ही नहीं पा रही है जहां युद्ध हो रहा है। घुसने कोशिश करती तब तक पता चलता इतना तेज युद्ध दिखता है कि वो फिर हवा के साथ बाहर। जो हम लोगों के पास रिपोर्ट आई उसमें इनकी वालों की भी आई कि ये कहां अच्छा कर रहे लड़ाई में, और उनकी भी आई क्या, लेकिन कांग्रेस कहां मुख्य लड़ाई में है ऐसा कम दिख रहा है। दूसरे चरण में और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगी लड़ाई ध्रुवीकरण की, सच्चाई यही है। कांग्रेस उसमें फिर कैसे आ पाएगी, कहां आएगी? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, लड़ाई आपकी एक हेड टू हेड दिख रही है बिटवीन समाजवादी एंड बीजेपी। तो आई थिंक हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो 2017 से बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले होंगे और हम सबके लिए होंगे जी। तो यहाँ पे जो अति कॉन्फिडेंट होके या ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं या हमारे जो बाकी साथी बैठे हैं, हम सबको इंतजार करना चाहिए 10 मार्च तक का। और जहां तक वोटिंग की बात है अमिताभ जी, मैं एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं एज अ रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आपसे बात कर रही हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पे वहां अपना वोट कास्ट कर रही है। पिछले 5 वर्षों में यूपी की जनता को मिला क्या? उत्तर प्रदेश में अत्याचार मिला, किसानों पे अत्याचार, महिलाओं पे, युवाओं पे लाठीचार्ज मिला, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पेपर्स लीक मिले, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई,
उनके बाद बेल भी मिल गई उस इंसान को कल, ठीक है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इस पे जनता चुनाव लड़ेगी, और आपने भी कल कवरेज की, आपके चैनल पे भी दिखाया गया, बाकी चैनल्स में भी दिखाया, जो आपने जनता से सवाल पूछा कि आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे, तो उन्हें रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत जागरूक दिख रही है हमें, वो जाति और धर्म के नाम पे वोट आखिर कब तक डाले, कब तक उसी चक्रव्यूह में फंसी रहे कि हमें जाति को आगे बढ़ाना है या हमें धर्म को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर यही करते रह गए तो उत्तर प्रदेश हमेशा ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में निचले ही पायदान पे रह जाएगा। सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में ही रह जाएगी। आपका भी मामला कुछ ऐसा मैंने महसूस किया जब आप इंट्री लिए यूपी बॉर्डर में, आपसे मतलब ओबीसी साहब, तो उनका तब उनका सेंसेक्स बहुत ऊपर था क्या? अच्छा कुछ टीवी चैनल बात पूरी सुन लो तब जवाब दे पाएंगे, ऐसे नहीं है ना। कुछ टीवी चैनल्स ने भी बनाया ऐसा कि ओबी ओबीसी वर्सेज योगी फोटो लगा दी क्या, तो लगा कि मामला बहुत ही ऊपर जा रहा। ओबीसी साहब ने भी कहा 100 लड़ाएंगे। धीरे 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 देखा शेयर मार्केट में शेयर डाउन होता चला गया, और फर्स्ट फेज के चुनाव में कल जो मेरी रिपोर्ट है, मुझे पता आप भी वही कहेंगे कि नहीं नहीं अमिताभ जी 10 मार्च को बात करेंगे, हमारे 100 में 90 जीतेंगे, ठीक। बट मैंने देखा आप टॉक ऑफ द टाउन नहीं रहे, यानी गली मोहल्ले चौराहे चाय की दुकान बूथ के बाहर बीड़ी की दुकान पर मूंगफली ठेले पर अब चर्चा में आप उतना सक्रिय नहीं मुझे दिख रही पार्टी। क्या आप मानते हैं कि जो बेस वोट था आपका वो उस जो आपकी का आकलन था या जो आपका अर्थमेटिक था उसके हिसाब से डिवाइड नहीं हो रहा? धन्यवाद अभिनय अमिताभ जी, आपने बहुत जायज और सही सवाल किया है। देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विचारधारा का नाम है, एक पार्टी का नाम है, और जहां तक उत्तर प्रदेश के इस चुनाव की बात है जी, तो इस चुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ और बहुत तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हुए हैं। ये चुनाव बड़ा साइलेंट चुनाव चल रहा है, वोटर के मन में क्या है इसको भांपा नहीं जा सकता है। अच्छा। और वोटर वोटर किसके लिए वोट कर रहा है और कौन वोट पर चोट मार रहा है इसका हम आकलन नहीं कर सकते, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे अब तक के जहां जहां भी प्रत्याशी रहे वहां पे हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और हमारे हक में मतदान भी कर रहे हैं। गैंगस्टर ओवैसी एक खास वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं, एक खास तबका समाज का उनको पसंद करता है, जो पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग के युवा नौजवान हैं वो ओवैसी साहब को काफी पसंद करते हैं, और इसी माना करके हमारे लिए जो अब तक के जितने भी सीटों पर मतदान हुआ है हमारे लिए शुभ संकेत है, हमारे लिए अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के अंदर कर पाएंगे। ये बवाल क्यों? आपको जो मान लीजिए कोई गणवेश, मुझे उतनी जानकारी नहीं, कोई भी वस्त्र किसी धर्म का हिस्सा भी हो, अब्बल तो वस्त्र धर्म का हिस्सा होते नहीं कभी, लेकिन मान लो हो भी, तो जब पूजा पाठ करेंगे तब पहनेंगे, नहीं इबादत करेंगे तब पहनेंगे क्या? 24 घंटे तो कोई कुछ पहनता नहीं। पंडित जी कहते हैं कि वो कुश के अंगूठी हाथ में लो और जल से आचमन करो, तो ये ऑफिस में थोड़े ना करने के लिए कहते हैं, जब पूजा करने बैठो तो करो। वैसे सब धर्मों का मामला है। ये अचानक से एक स्कूल में बवाल होता है और इधर से हिजाब वाले आ गए, उधर से भगवा गमछा डाले लड़के आ गए और बीच में नीले गमछे वाले भी आ गए, बोले आओ कर ले दो दो हाथ। क्या तमाशा है मुल्क में? बार बार इस ढंग की घटनाएं खड़ी होती हैं। तायरा जी, पहली बात ये है कि ये राइट टू एजुकेशन तो ये हर एक का राइट है, ये इंस्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता है, अनलेस और अंटिल ये किसी के फंडामेंटल राइट को हैम्पर करे, ठीक है ये बात, चाहे वो स्कार्फ पहने चाहे ना पहने। लेकिन यूनिफॉर्मिटी भी मस्ट होती है स्कूल्स में, तो ये स्कूल का प्रियोरिटी होता है कि वो अपने गाइडलाइन अपनी रूल्स में क्या लिखते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है मैनेजमेंट को ये बात
उन छात्रों से जो 6-5 जो भी छात्र हैं जो पहनना चाहती थी स्कार्फ, उनको उनके परिवार को पहले बता देना चाहिए था एडमिशन के टाइम में, नॉट बिफोर एग्जामिनेशन। ये मेरा कहना है, क्योंकि देखिए ये मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं खुद भी पहनती हूँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत पहनना चाहिए सबको, लेकिन जिसका दिल चाहे वो पहने, उसको रोक नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते इस डेमोक्रेसी में। ये रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, ये भी मैं आपके चैनल पे कह रही हूँ, लेकिन एक माहौल बनाइए ना, उनको पढ़ने दीजिए, फिर वो डिसाइड करेंगी, समझेंगी। लिटरेसी लेवल हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत लो है, और अगर माँ बाप रोकेंगे कि नहीं अब बेटियों को नहीं जाने देंगे, भले वो पढ़ने में अच्छी हो, बिना स्कार के कॉलेज कह रहा है कि एग्जाम नहीं देने देंगे, इंटर नहीं होने देंगे, तो सफरर तो बिटिया हुई ना। मुझे लगता है पहले एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे वो किसी और स्कूल में एडमिशन लेती, और इस तरह से ये पोलराइजेशन जो है ये देश के हित में नहीं है, चाहे वो इधर लोग खड़े हो और चाहे भगवा पहन के उधर खड़े हो। गाजी साहब, ये बवाल क्या ये हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? क्योंकि जो बात कही जाती है फंडामेंटल राइट की, क्या या धार्मिक विश्वास को प्रैक्टिस करने की छूट संविधान कहता है, तो यह भी देखा जाएगा वो चीज धार्मिक विश्वास का हिस्सा हो। इस वही पूछ रहा हूं, क्या हिजाब उसका हिस्सा है इस्लाम का? हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, मैं बुलंदशहर में एक औरंगाबाद एक जगह है, मैं ओरिजिनल वहां का रहने वाला हूँ और हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण परिवार। तो मेरी जो परदादी थी, जब मेरे दादा और परदादा बताते हमारे दादा के, जब वो आई थी तो डोली में बैठ के बंद होके आई थी, और उनको जिंदगी में जब उनका इंतकाल हो गया तो वो डोली ही उठी और उन्होंने कभी भी घूंघट नहीं उठाया। और हिंदू सभ्यता में आज भी मैं जसोला में रहता हूँ, न्यू फ्रेंड कॉलोनी के पास, तो वहाँ गुजरों के बड़े बड़े गांव हैं और वहाँ आज पूरा घूंघट डाल के औरतें आती हैं, और आज तक ये मुद्दा नहीं उठा हुआ है कि ये घूंघट क्यों डाला जाता है। घूंघट डालना हिंदुस्तानी सभ्यता का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में 29 या 30 स्टेट्स हैं, वहाँ सब जगह अपनी 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 वेशभूषाएं हैं, अपने अपने कपड़े हैं। केरला में लोग लुंगी बांधते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अमिताभ आधार जी बहुत ही आपकी सबसे ज्यादा नॉलेज है, आप सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि अलीगढ़ में आप कई बार गए हैं कवर करने जी। तो वहां पर शेरवानी कंपलसरी थी एक दौर में, आज वहाँ शेरवानी नहीं है, लोगों ने फैसला किया कि भाई शेरवानी की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो बुरका है और हिजाब है, इसमें दरअसल में कंफ्यूजन है। इस्लाम में यह है कि औरतों को चेहरे के अलावा पूरा शरीर जो है वो ढकना है, और यही हमारी हिंदू सभ्यता है, यही हमारी दादी करती थी, हिंदू थी, और यही साड़ी में जो है पूरा शरीर उनका ढका होता था, और जो ब्लाउज भी पहनती थी हमारी दादी या माँ वगैरह तो वो पूरी आस्तीन की होती थी, और दुपट्टा जो है वो ऊपर से हमारी बहन बेटियां पहनती थी। तो ये हिंदुस्तान की सभ्यता है कि औरतें जो है जितना ढके रहें, चेहरा तो उनका इस्लाम में चेहरा दिखने पे बैन नहीं है, हाथ और चेहरा दिख सकता है, लेकिन ये आप इसको इस्लाम और मुसलमानों से ना जोड़ें। रावत साहब, ये बवाल आपसे सवाल ये नहीं कि बवाल सही है कि गलत, वो तो हम जानते हैं आपकी धारा, लेकिन मसला ये क्या सियासत वाले लोग अपने पास, जैसे हम लोग कुछ स्टोरी बैंक बना लेते हैं क्या कि भाई जब खबरें नहीं होंगी तो उनमें से चला देंगे, क्या सियासत के लोग, आपको ऐसा लगता है अब कि सियासत के लोग ऐसा बवाल बैंक बना के रखते हैं अपनी पॉकेट में कि जब भी चुनाव आएगा उसमें 2-4 बवाली आइटम निकाल देंगे, कहेंगे चलो बेटा छू। ये हिजाब 6 महीने पहले भी आ सकता था बवाल, हिजाब आज तो आया नहीं हिंदुस्तान, ये 6 महीने बाद आ सकता था, ये ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव के समय क्यों आया? अमिताभ जी, जी वैसे तो इस हिजाब के मामले का राजनीति से कोई मतलब नहीं था जी। 1 महीने पहले का ये एपिसोड था, जब क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, जब प्रिंसिपल ने उन बच्चियों को रोका और वो नहीं मानी, तो उसकी एवज में
जो कुछ हिंदूवादी जो बच्चे थे उन्होंने और उन बच्चियों ने भगवा पहन करके आना शुरू किया, तो उनको क्या तकलीफ? बराबर साहब, मान लो कोई हिजाब पहने, कोई नकाब पहने, दूसरे को क्या तकलीफ? को वो लाल दुपट्टा डाल के मैदान में आ गया, बोले कौन है भाई का लाल? तकलीफ होती है, तकलीफ ये होती है कि स्कूल जो मैनेजमेंट है उसका एक ड्रेस कोड और उसका कहीं ना कहीं एक अनुशासन बनाए रखने का एक नियम होता है। अब देखिए, स्कूल के अंदर जब हम पढ़ते थे और आप भी पढ़ते होंगे, उस समय एक ड्रेस कोड होता था। हाँ। उसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, चाहे डॉक्टर का हो चाहे पॉलिटिशियन हो, सबकी बराबर ड्रेस होती थी और सब एक जैसा खेलते थे। उसका कारण था किसी में ऊंच नीच का भाव ना आए, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे होते हैं वही देश की आगे की पीढ़ी बनती है। अब यहाँ पर हिजाब के अंदर अगर 15-20 लड़कियां आ रही हैं और 15-20 लड़कियों को देख करके उंगलियां उठती हैं कि ये हिजाब में क्यों आई है, क्लास के अंदर पढ़ रही है बार बार हिजाब में क्यों आई है, फिर जानने की उत्सुकता होती है, पढ़ाई से दिमाग भटक करके उनकी उस ड्रेस कोड पे लोग कहीं ना कहीं छींटा कसी करना शुरू करते हैं। बिना नकाब हिजाब के आए तो भी पढ़ाई पर से ध्यान हट रहा, नकाब की हिजाब में आए तो भी पढ़ाई से ध्यान हट रहा, तब तो जिनका ध्यान हट रहा उनका उनकी डॉक्टरी कराओ भैया। हम जब पढ़ते थे, देखिए अगर ऐसी बात है तो क्रिश्चियन के जो स्कूल है वहां ये पहन के दिखा दें। अरे सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला जी। अरे गाजी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं। वो लड़के आवारा हैं जो हिजाब की में लड़कियों को देख रहे हैं, वो तो जाए उसमें चले जाए। गाजी साहब उनकी बात सुनिए, जब आपको समय मिले तो देखो आपकी बात के समय बहुत उनकी बात मत ले जाइए। गाजी साहब आप टोपी पहन के आओ, लोग उंगली उठाएंगे, देखो मुल्ला आ गया बोलेंगे ना। अगर आप नॉर्मल बैठे तो कुछ समझेगा नहीं। और वैसे भी तो आप हिंदू हो, वैसे भी तो आप कन्वर्टेड हिंदू हो, वैसे तो आपको ज्यादा बोलने का कोई अधिकार ही कुछ नहीं है, है ना। अब मेरा दाढ़ी बना के आओ तब भी बोलेंगे देखो मुल्ला जी आ गए, मुल्ला जी बैठे हुए हैं, बोलेंगे बोलेंगे ना। सिखोगे टोपी तो बोलेंगे मुल्ला जी आगे, मत बांधो है ना। देखो कितने दम में आप में, वो काम जो करते हो। अब देखिए, अब देखिए तारा जी बैठी है, कोई कुछ टेंशन नहीं है। तारा जी बहुत अच्छी से बैठी हुई है, डिबेट कर रही है, उनका बहुत पहले से रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री जाते हैं, अरे गाजी भाई सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए गाजी साहब आप तो वैसे भी मुसलमान नहीं हो, आप तो ना हिंदू हो ना मुसलमान, आप तो बीच में लटके हुए हो, आप काय को चिल्ला रहे हो बिना मतलब, आप तो हो ही नहीं, कन्वर्टेड हो, आप तो कन्वर्टेड हो, आप तो कन्वर्टेड मुसलमान हो, आपने तो पता नहीं कौन से डर की वजह से या पैसा लेकर के क्यों मुसलमान बन गए, मुझे तो समझ ही नहीं आती। आप पगड़ी उठा दो, आप में दम है, मैं कह रहा हूँ सरदारों का तो बचपन से दम है, सरदारों की तो उत्पत्ति उसके साथ हुई थी। आप सरदारों की आपकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उत्पत्ति हुई थी वो तो एक धर्म के साथ हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे, तो आप सरदारों की पगड़ी, अरे गिर जाओगे बीजेपी बढ़ जाएगा भाई, गोल्ड टोपी पहन के आते हैं लोग बोलते हैं ना, देखिए मुल्ला जी बोल रहे हैं ना, अगर वो टोपी ना पहन के आए तो टोपी लगा मैं राजेश चौधरी के पास चलूंगा, उससे पहले बात को जवाहरलाल जी का भी जिक्र आया। जवाहरलाल चौधरी शेरवानी पहनते थे, पटेल धोती कुर्ता पहनते थे, गांधी जी केवल एक बिना सिला वस्त्र पहनते थे, सिला हुआ कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, एक धोती आदि ऊपर नीचे लपेट लेते थे। लेकिन गांधी जी भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो बिना सिली धोती लपेट नहीं जाते थे ना, नहीं जाते थे। जवाहरलाल जब पढ़ रहे थे विदेश में और या देश में, तब वो भी वही बस्ता वही है कि जूता मोजा वही नेकर वो उसी रंग की और कमीज पहन के जाते थे, और वही पटेल। सबकी बात ठीक है, लेकिन भैया स्कूल तो बनाया इसलिए गया कि वहां राजा रंग सबके बच्चे एक से हो, वो एक से कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब गणवेश लागू कर दें, यूनिफॉर्म कम से कम उतने में तो यूनिफॉर्मिटी हो, वहां तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए। सिर्फ इतनी सी बात थी, उसमें जद्दोजहद कर दी,
दंगा फसाद हो गया और मैं उनसे भी बड़ा आहत हूँ। ये लड़के क्यों कूद पड़े भैया छाती फाड़ खोल के आगे ठंड में गमछा डाल के? अरे लड़की के हिजाब जो हिजाब पहन रही ठीक है, नहीं पहने इंस्टीट्यूट जाने उनको रखे निकाले, लड़ाई है उन लड़कियों और इंस्टीट्यूट के बीच में, उसको आप बढ़ाते क्यों हो सब लोग? ठीक है राजेश चौधरी जी, मेरी समझ में नहीं आता क्या सियासतदान लोग अपनी पोटली में कोई ऐसा मैजिक मंत्र रखते हैं, यंत्र रखते हैं जिसको हाथ में रगड़ा और चुनाव आया बोले भगवान के नाम पर या अल्लाह के नाम पर दे दे दो चार बड़े बवाल और छू क्या और आ गए और लड़ो चुनाव झमाझम। नहीं इधर से ओवैसी भी लग गए, उधर से और लोग लग गए और इधर साक्षी महाराज लग गए और बोले होने दो 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 हाथ। राज चौधरी ऐसा है क्या लोगों को ऐसे लगता है? बीजेपी पार्टी वाले राज जी देखिए किसी भी विद्यालय का कॉलेज का एक अपना नियम होता है, ठीक बात है, वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है, वहाँ की एक परंपराएं होती हैं, उस विद्यालय में एडमिशन लेने वाले को ये पता होता है कि यहाँ कैसे हमको रहना है, किस तरह से जाना है, क्या ड्रेस कोड पहन के आना है, क्या उसका टाइमिंग होगा। और आप ही कह रहे थे अपनी बात में राजा और रंक का अंतर विद्यालय में नहीं होना चाहिए, वो विद्या का मंदिर है, मंदिर में भगवान है, वो वहाँ गुरु के सामने तो समान होने चाहिए, इसीलिए ड्रेस कोड बनाया गया है कि वहां मजदूर का बेटा भी पढ़ता होगा, नेता का बेटा भी पढ़ता होगा, आईएएस जज और पत्रकार सबके बेटे पढ़ते होंगे। और आपने ये देखा होगा इसके कारण से बहुत छोटे बाप के बेटे की भी मित्रता बहुत बड़े बाप के बेटे से होती है, दोनों में समानता होती है। अब वहां सोचिए चार लड़कियां हिजाब लगा करके आ रही है, चार गमछे डाल करके आ रहे हैं, तो क्या पढ़ाई का वो माहौल होगा? क्या उनको ये छूट देनी चाहिए? मैं अपने साथ घटी गई घटना बताता हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट था, एक बच्चा रोज ये करता था नकल, तो उस पर टाइट किया मैनेजमेंट ने, नकल नहीं करने देंगे, उसकी तलाशी होती थी। अगले दिन उसने क्या किया, आकर के अपना पहले शर्ट उतारा, फिर पैंट उतारा, लगा टांगने खिड़की पर, बनियान उतारने लगा तो लोग भागने लगे, बोले भैया मैं क्या करूं, मुझे रोज तंग करते हैं, आकर के मैं पूरे कपड़े उतार के बैठ जाता हूं, कम से कम तलाशी तो नहीं होगी, तो क्या उसे छूट देनी चाहिए उस काम के लिए? ठीक बात, अब तलाशी लेना एक काम है, पर उसको ये भी छूट नहीं दी जा सकती कि वो नंगा होकर के वहां कॉलेज में एग्जाम दे। तो मेरा कहना यह है कि यह केवल विशुद्ध रूप से यह दिखाने के लिए कि हम अपनी उपस्थिति का एहसास उन संस्थानों में भी करा रहे हैं, हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, हमें किसी संस्थान से मतलब नहीं है, हमें किसी देश से मतलब नहीं है, हमें किसी परंपराओं से मतलब नहीं है, हमें केवल इस्लामीकरण दिखाना है, हमें इस्लाम की उपस्थिति दर्ज करानी है, ये कोशिश हो रही है। और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, वो तो आएंगे सामने, तो नहीं आएंगे। कराओ, जब आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। आपने शुरुआत की, गलत शुरुआत की, नहीं करना चाहिए था, तो असेंबली से क्या पास कराए गाजी साहब, क्या असेंबली में पास कराए, क्या विधानसभा के? अरे गाजी साहब आप तो नकली